जब आप एक्चुअली इस्लाम को समझ के रिसर्च करके पढ़ते हैं तो आपको एक बहुत क्लियर बायस नज़र आती है कि अल्लाह ताला हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर वुमेन, उसने स्पेशल प्लेस औरतों को दी हुई है, और मर्दों को जहाँ पे गार्डियन, प्रोटेक्टर और एक दर्जा ऊपर दिया है, उसके साथ जो बल्क ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मर्दों को दी हैं वो इतनी है कि आई एम हैप्पी टू बी अ वुमन, आई डोंट वॉन्ट दैट रोल। अस्सलामु अलैकुम। सो आई वॉन्ट टू एक्सपेंड ऑन वन ऑफ द टॉपिक्स जो हमने पिछले महीने कवर किया था, विच वॉज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन एंड हाउ इंडिपेंडेंस डज नॉट मीन दैट यू कैन नॉट टेक एनी काइंड ऑफ सपोर्ट। तो उसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस आए, पीपल रियली वांटेड टू नो मोर। तो आज आई वॉन्ट टू एक्सपेंड ऑन दैट अ लिटिल बिट, बट बिफोर आई डू दैट आई वॉन्ट टू कवर टू थिंग्स फर्स्ट, क्योंकि लोग आमतौर पे मेरी एक ही वीडियो कैच करते हैं या एक दो वीडियोस कैच करते हैं, दे डोंट नो व्हाट माय बिलीव्स एंड थॉट्स आर ऑन फॉर एग्जांपल फेमिनिज्म एंड स्टफ लाइक दैट, एंड दे जस्ट अस्यूम दैट शी इज़ अ फेमिनिस्ट एंड शी इज़ डूइंग दिस एंड शी इज़ सेइंग दैट। सो आई वॉन्ट यू टू फर्स्ट अंडरस्टैंड नंबर वन कि जब मैं इंडिपेंडेंस की बात करती हूँ औरतों की तो बहुत से लोग अलार्म हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज दे थिंक कि इंडिपेंडेंस मींस बेराह रवि और पता नहीं इससे माशरे में क्या हो जाएगा और ये पता नहीं इस्लाम के ख़िलाफ़ क्या बात कर रही हैं। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ अगेन एज अ प्रीरेक्विज़िट टू दिस टॉक इज़ दैट वट एवर आई टॉक अबाउट आई विल इंशाल्लाह बी एबल टू रिलेट इट टू इस्लाम, बिकॉज़ मैंने बहुत सी वीडियोज़ में कहा है आई एम नॉट अ मुस्लिम स्कॉलर, आई एम नॉट हेयर टू टीच यू इस्लाम। आपको माशाल्लाह सबको बहुत अच्छी तरह से ऑलरेडी पता है। व्हाट आई टॉक अबाउट इज़ कि जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कन्फ्यूजन्स हैं इस्लाम के बारे में, जो मेरी अपनी ज़िंदगी में दे क्रिएटेड अ लॉट ऑफ मिजरी, अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, अ लॉट ऑफ स्ट्राइफ, सो मच सो कि मैं अपनी यूथ में आई वॉज रेज्ड इन अ वेरी कंजर्वेटिव इस्लामिक हाउस होल्ड एंड सच थिंग्स दैट वर फोर्स फेड टू मी एज इस्लाम, वट दे एंडेड अप डूइंग वॉज कि मैं बागी हो गई थी। आई डिड नॉट वॉन्ट टू एक्सेप्ट इट बिकॉज अ लॉट ऑफ इट डिड नॉट मेक सेंस, एंड थैंक गॉड अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी, ये मौका दिया कि मैंने जब प्रॉपरली समझ के अपनी रिसर्च करके जब सीखा तो पता चला कि बहुत सी चीज़ें जिनको हमें इस्लाम का नाम दे के फोर्स फीड किया जाता है वो दरअसल इस्लाम नहीं है, वो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस की वजह से हैं, या नंबर टू कुछ सेंचुरी से औरतों के जो हुकूक इस्लाम ने दिए हैं ओरिजिनली उनको हाईजैक करके एक बिल्कुल डिफरेंट शक्ल दे दी गई है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट एम्पावरमेंट ऑफ मुस्लिम वुमेन द करेक्ट टर्म परहैप्स शुड बी री एम्पावरमेंट ऑफ मुस्लिम वुमेन, बिकॉज मुस्लिम वुमेन वर एम्पावर्ड 1400 ईयर्स अगो। एट दैट टाइम देयर वॉज नो सच नोशन ऑफ एम्पावरिंग वुमेन इन द वर्ल्ड एंड इस्लाम डिड दैट। सो मैं जो बातें करती हूँ मैं यही कहती हूँ कि आप जो इस्लाम ने आपको, जो अल्लाह पाक ने हुकूक दिए हैं उनकी बेसिस पे जब आप अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, चाहे आप मर्द हों चाहे औरत हों, आप ये देखेंगे कि ज़िंदगी में आसानी पैदा होती है। आई अप्रोच ऑल ऑफ दिस फ्रॉम माई फील्ड विच इज़ द फील्ड ऑफ सेल्फ डिवेलपमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, बेसिकली हाउ टू लिव अ बैलेंस्ड हैप्पी लाइफ। सो दिस इज़ द प्रीरेक्विज़िट। इसको मद्देनज़र रख के लेट्स नाउ टॉक अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन। देखिए इंडिपेंडेंस जिसको अगर आप लेट्स से वी कॉल इट सेल्फ डिटर्मिनेशन फर्स्ट, इसका जो हिस्सा है उसके ऊपर बात करते हैं। सेल्फ डिटर्मिनेशन एक बेसिक ह्यूमन राइट्स का हिस्सा है जिसको इस्लाम ने रेकग्नाइज किया है। यह हर मर्द और हर औरत का हक है बल्कि फ़र्ज है, यानी अपने आप को जानना, अपने मकसद को जानना कि मैं दुनिया में क्यों आया हूँ या क्यों आई हूँ, और फिर अल्लाह के जो गॉड गिवन आपके ऊपर गिफ्ट्स हैं, जो उसने गॉड गिवन आपको एबिलिटीज़ दी हैं, उनको बेहतर या बेहतरीन तरीके पे दुनिया में, ज़िंदगी में अपने एक्सप्रेस करना, उनको डेवलप करना। दिस इज़ व्हाट आई वुड से सेल्फ डिटर्मिनेशन, विच इज़ अगेन अ बेसिक राइट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, स्पेशली इस्लाम रेकग्नाइज दैट।
सो मर्द औरतों दोनों के लिए है. बट देखने में क्या आता है कि इस माशरे में एंड अनफॉर्चुनेटली इन मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड अ वुमन इज गिवन लेसर डिग्रीज ऑफ द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन देन कंपेयर टू मैन. डिफरेंट कल्चर्स में कुछ में ये बिल्कुल एक्सट्रीम पे है, कुछ में इतना एक्सट्रीम पे नहीं है. लेकिन किसी भी शख्स का सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक कोई मार ले, ये इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, बल्कि इसके खिलाफ स्टैंड लेता है. और जहाँ पे अल्लाह ताला मर्दों को औरतों के केयर टेकर्स गार्डियंस बताता है, तो उसमें एक्चुअली एक ये भी आती है चीज़ कि अगर आपकी वाइफ हैं, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, तो हर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नीड टू प्रोटेक्ट इट. सो जब मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि जब आप एक्चुअली इस्लाम को समझ के रिसर्च करके पढ़ते हैं, तो आपको एक बहुत क्लियर बायस नज़र आती है कि अल्लाह ताला हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर वुमेन, उसने स्पेशल प्लेस औरतों को दी हुई है. और मर्दों को जहाँ पे गार्डियन, प्रोटेक्टर और एक दर्जा ऊपर दिया है, उसके साथ जो बल्क ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मर्दों को दी हैं वो इतनी हैं कि आई एम हैप्पी टू बी अ वुमन, आई डोंट वांट दैट रोल. अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ मेन डोंट रिकग्नाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे जस्ट टॉक अबाउट देयर राइट्स. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट डज इंडिपेंडेंस ऑफ अ वुमन एक्चुअली मीन. So under the Islamic perspective, every man, woman, child is born free. They are free to choose the direction of their life. They are free to make choices about different aspects of their life. So ek aurat, agar ek Muslim aurat Muslim gharane mein paida hui hai, so she has the right to choose. Wo kis career mein jana chahti hai, wo agar apna career pursue karna chahti hai, शादी करना चाहती है, बच्चे करना चाहती है, दिस इज़ हर राइट. नोबडी इज़ अलाउड टू फोर्स हर टू फॉलो अ सर्टन पाथ. देखिए इस्लाम ऐसा क्यों कहता है, इस्लाम इज़ बेसिकली अ वेरी प्रैक्टिकल रिलीजन विच इज़ वेरी क्लोज टू नेचर. और चूंकि इस्लाम को भेजने वाले भी वही हस्ती है जिसने इंसान को बनाया है, तो वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि ह्यूमन नेचर किस तरह से एक बैलेंस में और सुकून की ज़िंदगी गुजार सकती है. इसको ना तो बहुत ज़्यादा फ्रीडम दिया जा सकता है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम इंसान को उसके नफ्स का ग़ुलाम बना देता है और इंसान की इवेंचुअली ज़िंदगी तबाह हो जाती है. ना ही आप परसिक्यूट कर सकते हैं, ना ही आप इतने हुकूक मार सकते हैं किसी इंसान के जिसकी वजह से वो उसकी ज़िंदगी की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो तबाह हो जाए, ये नहीं इस्लाम में अलाउड. सो बेस्ड ऑन दैट इस्लाम गिव्स lots of rights to women, same as it gives to men, and then it gives certain restrictions both to men and women, and then certain responsibilities as well. So since we're talking about independence therefore means that a woman has the right to decide the direction of her life. Ye right usko Allah ne diya hai, jisko hum free will kehte hain. Free will ek bahut sacred right hai जिसके साथ रब्बे करीम की ज़ात जो कि मालिक है कायनात का, वो ख़ुद भी इंटरफेयर नहीं करता. ये इतना सेक्रेड राइट है कि वो बंदे को उसकी विल करने देता है, उसको राइट और रॉन्ग सब कुछ बता देता है, और फिर उसके बाद कहता है नाउ यू चूज़ व्हाट डू यू वांट टू डू. सो इन दिस सिनेरियो इफ़ अ वुमन डिसाइड्स दैट शी वॉन्ट्स टू गेट मैरिड, डज नॉट मीन दैट शी कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, शी कैन स्टिल बी इंडिपेंडेंट. Because independence is not about whether you are married or unmarried. मैं बहुत सी unmarried ख़वातीन को जानती हूँ जो totally dependent हैं, right? और बहुत सी married ख़वातीन को जानती हूँ that are quite independent. So independent therefore means that you have this right of self-determination. You are able to make your own choices in life. अगर आपका partner, if your partner is you chose them well, and they have the same matching values, they will also respect your right to make your own choices. ye marriage mein khalal nahi paida karti cheez, ye actually when it's done correctly ye marriage ko bahut strong banati hai. because jab aap ek shakhs se uska right le lete hain to choose, then you are basically just controlling them, you are forcing them, this is persecution.
ऐसा शख्स कभी खुश नहीं रहता. सो वो मैरिज एक्चुअली देखने में तो लगेगी कि बड़े कंट्रोल में और मे बी लॉन्ग टर्म भी चल जाए, बट वो अच्छी मैरिज नहीं होगी, वो हेल्दी नहीं होगी. ना उसके में उसमें फरीक खुश होंगे, ना उनकी जो फैमिली में जो बच्चे पैदा होंगे जो उनका फ्रूट है ऑफ दैट मैरिज, दे विल ऑल्सो बी दे विल हैव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, दे विल हैव कॉन्फिडेंस इशूज, दे विल हैव ऑल काइंड ऑफ इमोशनल इशूज. सो दैट इज़ वाई द विजडम ऑफ इस्लाम is irrefutable. You give the right to people to choose which direction they want to go. देखने में क्या आता है, बिल्कुल opposite, कि एक लड़की जो है वो बड़ी हो रही है, उसको कोई भी चीज़ चूज करने की ज़िंदगी में इजाज़त नहीं दी जाती. हत्ता के बाल भी उसने कटवाने हों, उसको किसी ना किसी की परमिशन लेनी है. बाद में उसको कह दिया जाता है अपने खाविन की परमिशन लो. दैट इज़ सो अनफेयर दैट अ पर्सन इज नॉट एबल टू चूज how they want to be, how they want to live, how they want to show up. Agar aapko itna issue hai, if you want to control the way that your wife looks, you should have chosen somebody different that was more to your taste, more aligned with what you like and dislike. De karte kya hai ki ladki ko pasand kar lete hain because of her popularity or whatever, aur baad mein shaadi karke uske upar tarah tarah ki restrictions lagate hain. This is not right. Now I recently had a case where I spoke about it. It was very painful that this girl was very career oriented. She was a sportswoman and this was her life. Uski bachpan se dream yahi thi, yahi uski zindagi ki sabse badi khwahish thi aur yahi usko khushi deti thi. Now of course being a Pakistani girl, her parents expected her to get married. बहुत देर तक वो लड़ती रही कि मैंने शादी नहीं करनी क्योंकि मुझे शादी के बाद दे विल नॉट अलाउ मी टू परसू माई करियर एंड फॉर राइट नाउ आई वॉन्ट टू परसू माई करियर. देखिए यहाँ पे ये समझिए, एक तरफ आपको नज़र आ रहा है कि मुआशरा आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है. आई टोटली अंडरस्टैंड, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ. आप चाहेंगे कि आपकी बेटी वही उसी तरह से सोशली एक्सेप्टेबल हो जिस तरह से टिपिकली लड़कियां एक्सेप्टेबल होती हैं. सो ये आप सोशल एक्सेप्टेंस के लिए आप सैक्रिफाइस क्या करें, आप अपनी बेटी की खुशी सैक्रिफाइस करें. और वो बेटी अगर इस तरह से शी इज़ पैशनेट अबाउट हर करियर, उसको रब ने ऐसा ही बनाया. दिस इज़ हाउ शी वॉज मेड. सो इफ़ शी वॉज मेड दिस वे एंड यू आर फोर्सिंग हर टू बी समवन एल्स, यू आर बेसिकली गोइंग अगेंस्ट अल्लाह ताला'स विल.